ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए अब अंगूठी पहनाने की रस्म कर लेते हैं, बहुत देर हो गई ना। पहले अंगूठी, अभिमन्यु पहनाएगा। हाँ, ये ले बेटा। रोही बेटा, अब तुम पहना दो, अभी हाथ आगे कर। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इतनी गहरी चोट कैसे लगी? पहले नहीं बताया, मुझे पता था कि आप डर जाएंगी। जरूर मामूली सी चोट है। हे भगवान, ये मामूली सी चोट है? माँ, वो डांस कर रहा था ना, उसके बाद जब उतर आना तो लैंप चला गया। हे भगवान, बस कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब चोट लगी है तो दूसरी उंगली में पहना दो, इट्स ओके। दिल के डॉक्टर, वो उंगली जिससे आपकी दिल की नसें जुड़ी हैं, वो तो आपकी जख्मी है। ए नील, चुप रहो जरा। बेटा ऐसा सब नहीं सोचते। अब कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरे हाथ में अंगूठी पहना दो। हाँ अरु, भगवान का नाम लेके पहना दो। निष्ठा, पहले इनके हाथों पे पट्टी कर दो ना। एक मिनट, हाँ
अभी ये मत कहना कि मेरा दर्द कम करने के लिए तुम मेथी दाने का लेप लेकर आई हो। जामुन के पत्ते लाई हूं। सीरियसली? जामुन का पत्ता? मेथी दाने का लेप अभी लाना मुश्किल था, जामुन के पत्ते से भी दर्द में राहत मिलती है। बाहर पार्किंग लॉट के वहां पे मैंने बहुत बड़ा जामुन का पेड़ देखा तो ले आई। गरम पत्ते से तुम्हें तुरंत राहत मिल जाएगी। जामुन का पत्ता ही क्यों? बाहर गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सभी कोई ना कोई जड़ी बूटी है। तुम सब ले आओ तो भी ये दर्द कम नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं, समझ ही तो नहीं सकते तुम। इस जामुन के पत्ते से इस हाथ का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दर्द का क्या करूं? बताओ कोई इलाज है तुम्हारे पास? कौन सा फूल, कौन सा पत्ता, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा तेल लगाऊं, कौन सा काढ़ा पीऊं, कौन सा लेप लगाऊं? बताओ मुझे, तुम जो बोलोगी वो करूंगा मैं। है कोई इलाज? प्लीज बताओ, प्लीज। इस दिल के दर्द को खत्म करो, और बर्दाश्त नहीं होता। इस देश में ना लड़कियों के पिंपल से लेके लड़कों की गैर जिम्मेदारी तक का एक ही इलाज, शादी। जो तुम्हारी हो रही है तो ये दिल का जो दर्द है ना, सब गायब हो जाएगा। मत करो ये, मैं जानती हूँ ये हुआ नहीं है, तुमने किया है, मत करो प्लीज। ये जो है ना, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, एक रिश्ता है। और जिसने तुम्हें ये अंगूठी पहनाई है ना, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। और वो तुम्हारी होने वाली पत्नी मेरी बहन। तो जो आज तुमने रिश्ता जोड़ा है ना, उसका मान रखो। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी मम्मी कहती है कि शादी के बाद ना सब ठीक हो ही जाता है। जाने दिल तूने
रिश्ता क्या कहलाता है।